नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुजी। आप सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइंस पर मैं सटीक जानकारियां देता हूं, जिसके बीच आज आपको जानकारी दूंगा लव मैरिज, प्रेम विवाह की ऐसी कौन सी कंडीशन बन जाती है जब ग्रह बाउंड हो जाता है किसी जातक को प्रेम विवाह करवाने के लिए। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी, जिसमें मैंने एक बहुत ही आजमाया हुआ सूत्र आपको बताया था पार्ट वन में, और आज फिर मैं पार्ट टू में आपको जानकारी दे रहा हूं कि दो ग्रहों की ऐसी कौन सी कंडीशन बन जाती है जब जातक को ये ग्रह बाध्य कर देते हैं लव मैरिज के लिए, और लव मैरिज का प्रबल 101% योग घटित होने की संभावना रहती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में दो प्लैनेट ऐसे हैं, जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ आ जाते हैं जन्म कुंडली के अंदर, तब लव मैरिज की जो कंडीशन होती है बहुत प्रबल हो जाती है। दो ग्रहों में से एक है दानव गुरु शुक्राचार्य, और एक है ग्रहों में जिनको सेनापति का पद प्राप्त है मंगल, जिनको भौम भी कहते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है ये अट्रैक्शन का कारक होता है, सौंदर्य का कारक होता है, काम वासना का कारक होता है, प्रेम संबंध का। इसके जो एनवायरमेंट है शुक्र ग्रह का, इसमें प्रेम और वासनाएं अद्भुत रूप से भरी पड़ी है। और जो साथ ही मंगल ग्रह है, ये हमारी जो नस नाड़ियां, इसमें रेड सेल्स का कारक होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो नस नाड़ियों में जो ब्लड गतिमान होता है निरंतर, इसको जो संचालित करता है वो मंगल करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका कारक मंगल होता है। देखिए, मंगल और शुक्र जब एक साथ आ जाए कुंडली के अंदर, यानी जो हमारा प्रेम करवाने वाला ग्रह है, हमारी जो काम वासना है, आंतरिक काम वासना ब्लड के साथ जब मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में, यानी कुंडली के अंदर यदि शुक्र मंगल के साथ युति करे, तो 101% लव मैरिज होने का चांस रहता है। क्योंकि जो मैंने शुक्र का एनवायरमेंट आपको बताया, ये एनवायरमेंट जब ब्लड के साथ मिलता है तो जरूर निश्चित रूप से, काफी कुंडलियों मैंने ये देखा है। तो प्रिय दर्शकों, इस पर ध्यान रहे, लेकिन किसी नेगेटिव या अशुभ ग्रह का प्रभाव या छाया रूपी प्रभाव नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है, कुंडली के अंदर एक कंडीशन बनती है, तो निश्चित रूप से लव मैरिज का योग बनेगा। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है और आप जानना चाहते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में डिटेल में आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में युवाओं की काफी फोन कॉल्स आती हैं और उनका पहला प्रश्न यही रहता है कि सर, मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो ऐसे दर्शकों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप भी अपनी कुंडली में ये कंडीशन देखें। यदि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के अंदर बनी हुई है, तो पावरफुल योग बन जाता है आपकी कुंडली में लव मैरिज का, प्रेम विवाह होने का। आगे फिर जैसे भी आपके प्रश्न रहेंगे, उनको देखते हुए जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।